राजनाथ सिंह जी, आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार, माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय श्री केशव मौर्य जी, माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के नगर विकास और संसदीय कार्य मंत्री श्रीमान सुरेश कुमार खन्ना जी, उत्तर प्रदेश सरकार के ही मंत्रीगण प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, श्री आशुतोष टंडन जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, श्रीमती स्वाति सिंह जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्री सुरेश पासी जी, माननीय सांसद कौशल किशोर जी, मेट्रो रेल मेट्रोमैन के रूप में लखनऊ मेट्रो के प्रधान सलाहकार के रूप में जिनका मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता रहा है और प्रदेश के मेट्रो अन्य नगरों में भी कुशलतापूर्वक संचालित हो सके, ऐसे हमारे प्रधान सलाहकार डॉक्टर इंजीनियर श्रीधरन जी, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव आवास श्री मुकुल सिंगल जी, एमडी लखनऊ मेट्रो कुमार केशव जी, हमारे अन्य सभी उत्तर प्रदेश शासन के मंत्रीगण, श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री एस पी सिंह बघेल जी, श्री दारा सिंह चौहान जी, राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार जी, उत्तर प्रदेश शासन के सभी मंत्रीगण, माननीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधिगण, लखनऊ मेट्रो कॉरपोरेशन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक निर्मित लखनऊ मेट्रो के इस प्राथमिक सेक्शन के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सभी लखनऊ वासियों को प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं आभारी हूं अपने श्री राज्यपाल आदरणीय राम नाईक जी का, जिनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सदैव हम लोगों को प्राप्त होता है और आज उन्होंने अपनी कृपापूर्ण उपस्थिति इस समारोह में भी देकर के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को, जो लखनऊ की बहुप्रतीक्षित परियोजना थी, इसके शुभारंभ के लिए वे स्वयं उपस्थित हुए हैं। मैं हृदय से श्री राज्यपाल जी का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। माननीय गृह मंत्री जी का यह संसदीय क्षेत्र है और प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ आज देश के गृह मंत्री के रूप में भी और उत्तर प्रदेश की हर आवश्यकता के लिए सदैव सहयोग के लिए तत्पर रहने के कारण, जब उनके सामने मैंने इस बात का प्रस्ताव रखा कि लखनऊ मेट्रो का शुभारंभ होना है और संसदीय क्षेत्र होने के साथ साथ एक अभिभावक के रूप में भी अगर उनकी उपस्थिति इस अवसर पर होगी तो बहुत अच्छा होगा, उन्होंने अपनी कृपापूर्ण उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, इस कार्यक्रम के लिए अपनी स्वीकृति दी और आज स्वयं उपस्थित हुए हैं। मैं प्रदेश सरकार की ओर से उनका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। भारत सरकार में मंत्री के रूप में परसों ही प्रदेश सरकार, भारत सरकार के शहरी विकास और आवास मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करके कल कार्यभार ग्रहण करने के बाद
माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने, मैंने जैसे ही उनके सामने प्रस्ताव रखा कि लखनऊ मेट्रो का हम शुभारंभ कर रहे हैं, अगर उनकी उपस्थिति लखनऊ में इस अवसर पर होती तो हमें अत्यंत प्रसन्नता होती, तो उन्होंने तुरंत ही इसकी स्वीकृति दी और पहला उनका शासकीय कार्यक्रम लखनऊ, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मिला है। यह हम सबको आह्लादित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण उनकी उपस्थिति इस अवसर पर आवश्यक है और मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 6-7 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में हमें विकसित करना है। हमारे 60 ऐसे शहर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिन्हें हम अमृत योजना के अंतर्गत, जिनमें विकास की तमाम योजनाओं को लेकर के चल रहे हैं और साथ ही साथ मेट्रो की दृष्टि से भी लखनऊ मेट्रो के साथ साथ कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, इन सभी शहरों में भी मेट्रो की परियोजनाओं को हम लोगों ने DPR बना करके भारत सरकार को प्रेक्षित कर दी हैं। कुछ की DPR बन रही है, कुछ की सर्वे हो रहे हैं, क्योंकि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह सपना है कि देश के अंदर 50 शहरों में आगामी 3 वर्षों के दौरान हम लोग मेट्रो की बुनियादी सुविधाएं देकर के देश के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतरीन बनाएं, आधुनिक बनाएं, प्रदूषण से मुक्त बनाकर यानी पर्यावरण हितैषी बनाएं और आम जनता के लिए वह सस्ता भी हो, सुलभ भी हो, आसान भी हो। और इस दिशा में मेट्रो पर जो कार्य उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ किया है, माननीय पुरी जी की उपस्थिति इन योजनाओं को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी, मैं इसके लिए उनका हृदय से स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा लखनऊ मेट्रो के प्रधान सलाहकार के रूप में डॉक्टर इंजीनियर श्रीधरन जी का, वे मेट्रोमैन के रूप में प्रख्यात हैं और दिल्ली मेट्रो के साथ साथ देश के अंदर तमाम क्षेत्रों में मेट्रो की प्रोजेक्ट को जिस तत्परता के साथ उनके मार्गदर्शन में एक नई गति मिली है उसमें लखनऊ मेट्रो एक है। सज्जनों, सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ हम प्रोजेक्ट तैयार करते हैं लेकिन समय पर वह कार्य पूरा नहीं हो पाता है। समय पर किसी परियोजना का पूरा न होना यह एक राष्ट्रीय क्षति है क्योंकि उससे बढ़ने वाली लागत अंततः शासकीय खजाने पर एक अतिरिक्त बोझ के रूप में सामने आती है और उसका बोझ अंततः देश की जनता पर जाता है। परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से, पारदर्शी तरीके से और मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए अगर हम संपन्न करते हैं तो यह एक उत्तम प्रयास है और परियोजना के प्रति और राष्ट्र के प्रति हमारी सही सेवा है। और मैं इसके लिए यहाँ पर इंजीनियर श्रीधरन जी का और लखनऊ मेट्रो के हमारे जो MD हैं कुमार केशव जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई दूंगा कि 3 वर्ष के उस लखनऊ मेट्रो के इस कार्य को उन्होंने 2 वर्ष के अंदर पूरा किया। आज लखनऊ वासियों को यह पूरा आयोजन एक भरा भरा आयोजन दिखाई दे रहा होगा, अधूरा आयोजन नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि आयोजन जो यहां पर हो रहा है इस मेट्रो में हमारा पूरा कैबिनेट आदरणीय राज्यपाल जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में लखनऊ मेट्रो की सवारी तो करेगा ही। हमारे सभी विधायक गण भी सामने हैं, मैं जान रहा हूं कि केवल लखनऊ मेट्रो की सवारी करने के लिए विशेष रूप से आज आए हैं और कल से इसका व्यावसायिक संचालन भी प्रारंभ हो जाएगा, इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। 8.5 किलोमीटर की इस दूरी को तय करने में अब लोगों को 6 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब यह दूरी तत्काल कल से ही यात्रा प्रारंभ हो जाएगी इस लाइन पर और लखनऊ वासियों को इससे भारी सहूलियत प्राप्त होगी। इसलिए मैं अपने राजधानी वासियों को इस लखनऊ मेट्रो के शुभारंभ के अवसर पर
हृदय से बधाई दे रहा हूं, अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं। सज्जनों, जो सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जब लखनऊ मेट्रो को लोन स्वीकृत किया जा रहा था, मैं भी लखनऊ मेट्रो की ये फोटो देख रहा था, और आप आश्चर्य करेंगे कि जब ब्रुसेल्स में बेल्जियम में 30 मार्च 2016 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लखनऊ मेट्रो को यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से लोन स्वीकृति के लिए वहां हस्ताक्षर हो रहे, तो भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उस समय इस लोन की स्वीकृति के कागजात पर भारत की ओर से जो साइन करने वाले महापुरुष थे, उनमें आज वह हमारे भारत सरकार के शहरी और आवास विकास मंत्री के रूप में, पुरी जी के रूप में इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। मैं इसे एक संजोग मानता हूं। पुरी जी ने भी नहीं सोचा होगा कि मैं आज जिस कार्य के लिए लोन स्वीकृत करके लखनऊ मेट्रो के लिए उपलब्ध कराने के लिए साइन कर रहा हूं, उस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर मुझे यहां आने का अवसर मिलेगा। और आज मैं इसको संजोग मानता हूं, जब मैं इस फोटोग्राफ को देख रहा था तो उसमें पुरी जी का फोटो में देख रहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनके द्वारा इस कागजात पर भी हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, और इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने जो इस पूरा प्रोजेक्ट है 6,880 करोड़ का है, जिसमें 1,300 करोड़ रुपए भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है, जिसमें 2,078 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार का है, और 3,502 करोड़ रुपए का हमें यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने लोन स्वीकृत किया है इस पूरी परियोजना के लिए। इस प्रकार 6,880 करोड़ का एक जो ये लखनऊ मेट्रो का प्रोजेक्ट है, यह आप सबके सामने है। इस परियोजना को एक लाभकारी और व्यावसायिक दृष्टि से लाभकारी परियोजना के रूप में माना गया है, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस परियोजना के आने से खासतौर पर राजधानी में हमारे नागरिकों को काफी सहूलियत होने वाली है, क्योंकि जाम की समस्या से मुक्ति के साथ साथ हम लोगों का ये मानना है कि इस प्रकार की योजनाओं को जो पर्यावरण हितैषी हो, साथ साथ जिससे लोगों को सस्ता और सुलभ यातायात की सुविधा प्राप्त होती हो, ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम सबको विकसित करना चाहिए। और लखनऊ मेट्रो के साथ साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर गाजियाबाद और नोएडा के अंदर तो मेट्रो के कार्य को हम लोगों ने एक प्रगति तो दी ही है, लेकिन साथ साथ बहुत शीघ्र हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर, अब तक हमारे अलग अलग मेट्रो के लिए अलग अलग कारपोरेशन बन रहे थे, लेकिन हम लोगों ने जब देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी का योग्य मार्गदर्शन है और उनका उत्तर प्रदेश के लिए एक मुक्त हस्त सहयोग की जो भावना है, हमें उसका लाभ लेना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि अब हम अलग अलग मेट्रो कारपोरेशन बना करके हम एक यूपी मेट्रो कारपोरेशन का गठन करेंगे, जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर उस बड़े शहर में मेट्रो जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को विकसित करने के लिए कार्य कर सके। और मैं इस मंच के माध्यम से सम्मानीय डॉक्टर श्रीधरन जी को सादर उस मामले में उनके मार्गदर्शन, उनके सलाहकार, प्रधान सलाहकार के रूप में उनके सहयोग की भी अपेक्षा करूंगा। यद्यपि उनका सलाह हमें हमेशा प्राप्त होता है, मैंने जब भी उनसे सलाह मांगी है कि वाराणसी में किस प्रकार से हम मेट्रो को डेवलप कर सकें, हम लोग अन्य शहरों में कानपुर में, आगरा में, मुरादाबाद है, मेरठ है, इलाहाबाद है, गोरखपुर है, झांसी है, इन सभी शहरों में हम कैसे मेट्रो को वहां पर दे सकें, कहां पर मेट्रो आनी चाहिए, कहां पर लाइट मेट्रो आनी चाहिए, कहां पे मोनोरेल आनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके लिए श्रीधरन जी का एक सलाहकार के रूप में, प्रधान सलाहकार के रूप में सदैव उत्तर प्रदेश सरकार को उनकी महत्वपूर्ण सलाह सदैव प्राप्त होती रही है। और मुझे लगता है कि श्रीधरन जी देश के उस नौकरशाही के लिए एक मिसाल हैं, जो कार्य की लेट लपेट के लिए जाना जाता है, लेकिन कार्य को समयबद्ध तरीके से कैसे पूरा किया जाना चाहिए, यह श्रीधरन जी उन सबके सामने एक
मुझे लगता है कि एक आदर्श के रूप में है, और मैं इस संबंध में उनका योग्य सहयोग चाहूंगा। हमें हमारे राज्यपाल महोदय का मार्गदर्शन प्राप्त होता है, और खासतौर पर तब आज राज्यपाल के रूप में, प्रदेश के अभिभावक के रूप में, तो हम लोग उनसे मार्गदर्शन लेते ही हैं। लेकिन हम लोगों ने इस बात को देखा है कि भारत सरकार के रेल मंत्री के रूप में उन्होंने अनेक प्रकार के कार्य किए थे, और मुझे याद है कि जब आदरणीय श्री राम नाईक जी देश के रेल मंत्री थे, तब श्रीधरन जी उस समय आपकी जो दूसरी रेल थी कोंकण रेलवे में उस समय उनकी सेवाएं, अपनी सेवाएं श्रीधरन जी दे रहे थे। तो मुझे लगता है एक संजोग है कि हम लोगों को दो ऐसे अभिभावक जो मेट्रो की दिशा से योग्य मार्गदर्शन कर सकते हैं, हमारे गवर्नर साहब हैं श्री राम नाईक जी और श्रीधरन जी, इन दोनों का इस मामले में उत्तर प्रदेश में यूपी मेट्रो कारपोरेशन के गठन और उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ मेट्रो का संचालन हो सके, ये केवल एक सगुपा नहीं, ये केवल एक वायदा नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है, और ये वास्तविकता आज लखनऊ मेट्रो के रूप में आप सबके सामने, आप सबको दिखाई दे रही है। मैं इस वास्तविकता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आसान किस्तों पर लखनऊ मेट्रो को यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से लोन उपलब्ध करवाया। भारत सरकार ने उदार मना भाव से उत्तर प्रदेश के इस लखनऊ मेट्रो को अपनी स्वीकृति प्रदान की और धन भी उपलब्ध करवाया, और साथ साथ मेट्रो कारपोरेशन, लखनऊ मेट्रो कारपोरेशन से जुड़े हुए जो भी अधिकारी हैं, इसके एमडी हैं कुमार केशव जी और उनकी पूरी टीम को, बहुत मेहनत किया इन्होंने, अच्छा कार्य किया, सफलतापूर्वक कार्य किया। मुझे लगता है कि 19 तक जब लखनऊ के पूरे मेट्रो का कार्य पूरा हो जाएगा, तो लखनऊ और राजधानी वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी, और मुझे लगता है कि इस मामले में आदरणीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन सदैव प्राप्त होता रहता है। मैं इस अवसर पर एक बार पुनः लखनऊ मेट्रो के प्रारंभ होने पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रदेश के अन्य शहरों में भी हम लोग लखनऊ मेट्रो की तर्ज पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करके प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश के अंदर जिन 50 शहरों में मेट्रो की इन परियोजनाओं को आगे बढ़ना है, उसमें उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक शहर होंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं।